अपने सुनने और देखने वालों को मुबश्शर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए धीमे लहजे में एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आया हूं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि माइंड वर्क्स ड्यू टू टारगेट ड्यू टू मिशन ड्यू टू द पॉइंट जिसको हमने टच करना है, जिसको हमने अचीव करना है। हमारा दिमाग, हमारी थिंकिंग काम करती है हमारे टारगेट के ऊपर, हमारी बॉडी बिहेव करती है टारगेट से रिगार्ड। जैसा टारगेट होगा वैसी बॉडी बिहेव करती है, जैसा टारगेट होगा वैसा हमारा दिमाग वर्क्स करता है, जैसा हमारी सोच होगी वैसा हमारा दिमाग काम करेगा, वैसा हमारा बॉडी बिहेव करेगी। वट एवर वी थिंक दैट वी कैन डू दैट। अच्छा दोस्तों, इससे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मुबश्शर को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम सबको पता है कि जापान एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। जापान हिरोशिमा नागासाकी पर 1945 में जब एटॉमिक बम गिराए गए तो सब तबाह हो गया था, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। कम से कम 3 लाख लोग की कैजुअलिटीज हुई थी, हर तरफ लाश ही लाश थी, तबाही थी, बिल्डिंगें गिरी हुई, हर तरफ तबाही। तो वो लोग इतना परेशान थे कि उनको हर नई आने वाली चीख, हर नई आने वाली थोड़ी सी भी आवाज फील होती थी कि शायद एक नया बम आया है। तो वो लोग 5 साल तक बैंकर्स, जेरे जमीन बैंकर्स बनाए, वहां पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपना एक टारगेट बनाए। कुछ उन टारगेट्स को मैं आपको सिर्फ टारगेट्स एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टारगेट्स जो है वो हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, हमारी बॉडी के वर्क्स के लिए, दिमाग के वर्क्स के लिए, हमारे मिशन की कंप्लीशन के लिए, हमारी अचीवमेंट के लिए टारगेट्स कितने अहम है। 1950 में उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम पूरी दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बनेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जमीन जरखेज होना जरूरी है, पौधे उगेंगे, सारा कुछ होगा, तभी वो कॉटन शॉटन वो सारा इंडस्ट्री लगेगी ना। तो लेकिन उन्होंने टारगेट सेट किया कि पूरी दुनिया में इंडस्ट्री में नंबर 1, एंड दे गॉट द टारगेट। उनकी बॉडी वैसे बिहेव की, उनका दिमाग वैसे बिहेव किया, उन लोगों ने टारगेट अचीव किया। 1960 में वो दुनिया के नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनकी, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर थे वो लोग। 1960 में उन्होंने एक और टारगेट सेट किया कि वो पूरी दुनिया के स्टील मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 बनेंगे। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोहा और कॉयल की जरूरत होती है और वो दोनों नायाब थे उस मुल्क में, बट उन्होंने टारगेट सेट किया। देयर माइंड वर्क्स, उनका दिमाग काम किया, बॉडी ने बिहेव किया, उन्होंने अमल किया। एंड 1970 द डे कम के वो पूरी दुनिया में स्टील प्रोवाइडर, स्टील मैन्युफैक्चरर के नंबर 1 थे। ज्यादा आगे ना जाऊं अपना, ये छोटा सा ये आपको जो बता रहा हूं इंस्पिरेशनल चीज है यार ये, कि आप लोग बड़े इसके फैन होंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। फिर क्या होता है जी के 1970 में उन्होंने एक और टारगेट, एक और प्लान सेट किया। उन्होंने कहा जी कि हम पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल में सबसे आगे जाना चाहते हैं और अगले 11 साल में वो पूरी दुनिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 थे। कैसे, हाउ डू दैट। उनकी जमीन जरखेज नहीं थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 थे, उनकी जमीन पे लोहा नहीं था, कॉयल नहीं था, वो नंबर 1 इंडस्ट्री बने, स्टील इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर में नंबर 1 हुए, ऑटोमोबाइल में नंबर 1 हुए, बिकॉज दे जस्ट सेट अ टारगेट। उन्होंने टारगेट सेट किया, सिंपल अल्फाज में भी बताऊं तो उन्होंने टारगेट सेट किया और उनका दिमाग काम किया और उन्होंने बॉडी ने बिहेव किया। सबसे पहले आप लोग भी अपना टारगेट सेट करें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए जुड़ जाएं, डट जाएं, और मैं आपके साथ हूं।
अगली वीडियो तक अपने होस्ट अपने मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।